Good morning, student. In previous class, we have discussed about the what is the drill bit and nomenclature of drill bit. But today we are discussing about the cutting parameter of drill bit. There are some drilling cutting parameter. I will discuss in this lecture. Okay. First one is the cutting speed. What is the cutting speed? In peripheral speed or circumferential speed of drill bit is called cutting speed. Okay. It is generally denoted by the Vs or Vc. Okay, Vs or V suffix S or V suffix C, and is unit meter per second. Okay, here formula, the cutting speed formula is pi d n upon 60 meter per second. Agar aap isko agar hum pi d n only rakhe to hoga meter per minute. तो अगर हमको पाई डी एन को अगर कटिंग स्पीड को अगर सेकंड के फॉर्म में लिखना है तो पाई डी एन में बाई में 60 कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में होगा. अगर पाई डी एन वनली रखेंगे तो मीटर पर मिनट में होगा. यानी कटिंग स्पीड यानी जो हमारा वर्क पीस कट आउट कर रहा है यानी ड्रिल बिट कट आउट कर रहा है, होल जनरेट कर रहा है, तो होल जनरेट कर रहा है तो ड्रिल बिट कितनी स्पीड से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, यानी कितने हाई कितने स्पीड का रोटेशन है उसका, उसको हम डिनोट करते हैं. यानी उसके पेरिफेरल यानी टेंजेंशियल. ओके, पेरिफेरल या सर्कम्फ्रेंशियल जो आपका होगा, सर्कम्फ्रेंशियल जो स्पीड होगा किसका, ड्रिल बिट का, वहीं आपका वहीं स्पीड कहलाएगा कटिंग स्पीड. ओके, फिर डी इज़ द डायमीटर ऑफ ड्रिल बिट या डायमीटर ऑफ होल. क्योंकि जो बिकॉज डायमीटर ऑफ ड्रिल बिट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द डायमीटर ऑफ होल, देन वी हैव कंसीडर वन वी हैव कंसीडर फॉर योर चॉइस वी हैव कंसीडर डायमीटर ऑफ ड्रिल बिट या डायमीटर ऑफ होल. ओके, एन इज द रिवोल्यूशन पर मिनट यानी आरपीएम. This is the cutting speed. Okay, cutting speed. This is the parameter of cutting parameter of the drilling machine. Okay, first one. Second one is the feed. In the class of lathe machine. Okay, we have discussed about the feed. Okay, discuss about the feed. What is the feed? Feed is the advancement of the drill bit here advancement of the drill bit, but in lathe machine advancement of the single point cutting tool. Okay, but here advancement of the drill bit, okay, per revolution is called feed. Yani jo bhi drill bit ka ek revolution mein jitna advancement hoga उसी को हम बोलते हैं क्या, फीड. इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर एफ से, और इसका यूनिट होता है इट्स यूनिट एम एम पर रिवोल्यूशन. ओके ओके, या एम मीटर पर रिवोल्यूशन अगर उसको यूनिट को कन्वर्ट कर दें तो. ओके, और टोटल फीड ऑफ ड्रिल बिट इन एन आर पी एम, क्योंकि एक रिवोल्यूशन स्मॉल जो होगा एक रिवोल्यूशन में कितना एडवांसमेंट हो रहा है वो होता है आपका फीड. अगर टोटल फीड अगर हमको काउंट फाइंड आउट करना होगा तो जैसे कि एन आर पी एम में टोटल फीड कितना हुआ, तो जो भी हमारा क्योंकि फीड का जो यूनिट होता है एम एम पर रिवोल्यूशन, उसमें आर पी एम से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन कैंसिल आउट होगा और ये आ जाएगा एम एम पर मिनट में. अगर मीटर लेंगे तो मीटर पर मिनट में. ओके,
ओके, तो टोटल फीड ऑफ ड्रिल बिट इन एन आर पी एम इज इक्वल टू एफ क्रॉस एन. ओके, आई होप यू ऑल ऑफ यू गॉट इट. ओके, थर्ड वन इज द मेटल रिमूवल रेट. इट इज द डिफाइन एज द मेटल रिमूव थ्रू द ड्रिलिंग ऑपरेशन. टोटल मेटल रिमूव थ्रू द ड्रिलिंग ऑपरेशन, कितना मेटल एक साइकिल में, यानी एक साइकिल में कितना या एक एन आर पी एम में कितना मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं. ओके, कितना मटेरियल वहाँ से काट कर निकाला जा रहा है, मशीन आउट किया जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं मेटल रिमूवल रेट. यानी जहाँ भी रेट है, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी कितने समय में कितना मटेरियल को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव आउट कर रहे हैं. ओके, वो आपको वहीं आपको देता है मेटल रिमूवल रेट. ओके, और ये हमेशा जो इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब पर मिनट में होगा या एमएम क्यूब पर मिनट में होगा. तो ये और इसको जनरली डिनोटेड बाय द एमआरआर, यानी मेटल रिमूवल रेट. तो एमआरआर इक्वल टू पाई डी स्क्वायर, यानी पाई बाय फोर डी स्क्वायर इंटू एफ क्रॉस एन, जो मीटर क्यूब पर मिनट में होगा, वेयर जहाँ डी होगा डायमीटर ऑफ होल, एफ होगा फीट पर रिवोल्यूशन, एन होगा आरपीएम, क्योंकि फीट अभी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे. ओके, तो ये होगा आपका फॉर्मूला, यानी पाई बाय फोर डी स्क्वायर एफ क्रॉस एन, और इसका जो यूनिट होगा एमएम क्यूब पर मिनट में हो सकता है या मीटर क्यूब पर मिनट में हो सकता है. ओके, अकॉर्डिंग टू योर डायमेंशन, चूजिंग योर डायमेंशन. ओके, यू हैव इंडिपेंडेंट टू चूज डायमेंशन. ओके, हियर नेक्स्ट वन इज द मशीनिंग टाइम. द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू जनरेट द होल इन वर्क पीस इज कॉल्ड मशीनिंग टाइम. यानी टोटल वर्क पीस को ड्रिल करने में जितना टाइम लगता है, जितना टाइम लगेगा, ठीक है, यानी वर्क पीस में होल, मान लीजिए कि कुछ थिकनेस का आपका वर्क पीस है, उसमें होल करिए क्रिएट होल जनरेट करने के लिए टोटल टाइम जितना लगा, उसी को बोलते हैं हम क्या, मशीनिंग टाइम. ओके, उसको बोलते हैं मशीनिंग टाइम. ओके, तो मशीनिंग टाइम क्या, इसको जनरली डिनोट किया जाता है एम सफिक्स एम, और ए होगा आपका सेकेंड में हो सकता है या मिनट में भी हो सकता है. अकॉर्डिंग टू यू हैव टू चूज डायमेंशन इन मीटर या इन एमएम. ओके, सो फॉर्मूला ऑफ द मशीनिंग टाइम इज इक्वल टू एल बाय में एफ क्रॉस एन इन मिनट. अगर हम उसमें एल में 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाएगा इन सेकेंड में. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे. ओके, सेकेंड में होगा. अगर यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, जो एल होता है आपका टोटल लेंथ होता है, तो हम लेंथ वाले चैप्टर में आपको बताया था कि जो टोटल लेंथ होगा, अगर क्वेश्चन में लेंथ ऑफ अप्रोच और लेंथ ऑफ ओवर ट्रेवल अगर दिया रहेगा, तो टोटल जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ अप्रोच प्लस लेंथ ऑफ वर्क पीस प्लस लेंथ ऑफ ओवर ट्रेवल टोटल होगा. अगर ये ओवर ट्रेवल, लेंथ ऑफ ओवर ट्रेवल, लेंथ ऑफ अप्रोच अगर नहीं दिया रहे, तो टोटल सिर्फ हम वहाँ पर लेंगे क्या, लेंथ ऑफ वर्क पीस टोटल लेंथ में. ओके, तो वही है, एल जो होगा आपका टोटल लेंथ होगा. तो यहाँ पर अगर अप्रोच और दोनों दिया रहे, लेंथ ऑफ अप्रोच और ओवर ट्रेवल, तो हम ऐड करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे. अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे नीचे में. ओके, तो वहाँ पर क्लियर करेंगे. ओके, तो ये हुआ मशीनिंग टाइम. ओके, ऑफ योर डेप्थ ऑफ कट, द डेप्थ ऑफ कट इज द इक्वल टू द हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ ड्रिल हैव टू बी यूज्ड. ओके, तो जो भी हम ड्रिल बिट यूज करेंगे, उसका जो डायमीटर का हाफ, जो हाफ डायमीटर का होगा, उसका डायमीटर का हाफ ऑफ डायमीटर गिव्स द
depth of cut per revolution. This is the per revolution. Okay, per revolution. In एक revolution में कितना depth जा रहा है, depth of cut कर रहा है, कितना अंदर तक penetrate कर रहा है, वहीं वो आपका depth of cut वो होता है d by 2. इन mm में अगर d अगर mm में दिया हुआ है तो mm में लेंगे, d अगर मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में आएगा आपका depth of cut. Okay, d where d is the diameter of drill bit. तो आइए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द आवर टॉपिक. ओके, पैरामीटर ऑफ ड्रिल बिट. ओके, द सम क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज द ए होल इज बीइंग ड्रिल विद द 5 mm ड्रिल एट ए फीड ऑफ 0.1 mm पर रिवोल्यूशन एंड RPM इज 200. कैलकुलेट द मेटल रिमूवल रेट इन मीटर क्यूब पर मिनट में. यानी जो हमारे पास दिया हुआ है, गिवन हमें क्या क्या दिया है, गिवन दिया है आपका डायमीटर ऑफ ड्रिल बिट दिया हुआ है, डी कैपिटल डी दिया हुआ है mm में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 10⁻³ रखेंगे. ओके, फीड दिया हुआ है 0.1 mm पर रिवोल्यूशन, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 × 10⁻³ मीटर पर रिवोल्यूशन होगा, और एन आपका दिया है 200 RPM, आप देख सकते हैं. ओके, RPM इज 200. ओके, तो मेटल रिमूवल रेट क्या होगा, तो वी नो दैट ए मेटल रिमूवल रेट क्या होता है, अभी आप डिस्कस किए हम इसी में, देखिए MRR होता है आपका, मेटल रिमूवल रेट होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एफ क्रॉस एन. ओके, जो मीटर क्यूब पर मिनट में होगा, अगर एमएम में रहेगा डायमीटर तो एमएम पर मिनट में होगा. तो यहाँ पर देखते हैं, तो अब देखें यहाँ पर जो एमएम में दिया हुआ तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है सबको. ओके, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर एफ क्रॉस एन मेटल रिमूवल रेट का फॉर्मूला हुआ. तो पाई बाई 4, तो डी के जगह हम 5 mm में रख रहे हैं, तो 5 स्क्वायर इंटू 0.1 × 200. तो जो हमारा आफ्टर सॉल्यूशन आफ्टर कैलकुलेशन ये आया 392.5 मीटर क्यूब पर मिनट. तो ए होगा क्योंकि हमने जो डायमीटर लिया था एमएम में लिया था, फीड भी एमएम में लिया था, इसलिए हमारा आया एमएम क्यूब पर मिनट. बट अगर हम मीटर में लेते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा 392.5 × 10⁻⁹ मीटर क्यूब पर मिनट. आई होप यू ऑल ऑफ यू गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 2, इफ ड्रिल इज 2.5 mm, ओके, फीड इज 0.35 मीटर पर रिवोल्यूशन, मेटल रिमूवल रेट इज 40 मीटर क्यूब पर मिनट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ RPM. यानी जो हमको दिया है यहाँ पे डायमीटर दिया है 2.5, फीड दिया है 0.35 mm पर रिवोल्यूशन, और मेटल रिमूवल रेट दिया है 40 mm क्यूब पर मिनट, तो बोल रहा है RPM इसका निकालिए. तो हम अभी देखे हैं कि मेटल रिमूवल रेट का फॉर्मूला जो होगा, मेटल रिमूवल रेट इज इक्वल टू होगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एफ इंटू एन. ओके, तो एफ इंटू एन, तो इसलिए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये जो 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो एम आर आर इंटू 4 बाई में पाई डी स्क्वायर इंटू एफ. अब सबका वैल्यू हमने रखा, एम आर 40 दिया हुआ है, एम आर आर 40 दिया हुआ है इंटू 4 बाई में पाई डी का वैल्यू दिया 2.5 का, तो स्क्वायर हो गया, और फिर दिया 0.35. तो आफ्टर सॉल्विंग आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव गॉट 23.29 RPM. ओके, दिस इज द आंसर. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज इफ द वैल्यू ऑफ द डायमीटर ऑफ द ड्रिल इज डी 10 mm अगर दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ कट. यानी बोल रहा है कि अगर ड्रिल का डायमीटर आपका दिया हुआ है तो डेप्थ ऑफ कट क्या होगा, यानी गिवन में हमको सिर्फ क्या हुआ है डायमीटर दिया हुआ है किसका, ड्रिल बिट का, तो डेप्थ ऑफ कट हमको निकालना है.
देखते हो तो हम जानते हैं डेप्थ ऑफ कट क्या होता है आपका। डेप्थ ऑफ कट होता है डी बाई टू, डी बाई टू यानी टेन बाई टू, ओके टेन बाई टू यानी 5 mm जो होगा आपका पर रिवोल्यूशन ही होता है, ओके। तो पर रिवोल्यूशन क्या होगा आपका, डेप्थ ऑफ कट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द आंसर हो ना, 5 mm इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ ड्रिल इज 15 mm, RPM इज द 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कटिंग स्पीड इन mm पर मिनट, ओके। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है ड्रिल बिट का डायमीटर 15 mm दिया हुआ है गिवन जो हमारे पास है, और RPM 5 RPM दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कटिंग स्पीड यानी कटिंग स्पीड निकालने के लिए बोल रहा था। अभी हम लोगों ने पढ़ा कटिंग स्पीड जो होगा आपका पाई डी एन अपॉन 60 meter per second। अगर सिर्फ ओनली पाई डी एन रहता तो उसका यूनिट हो जाता मीटर पर मिनट, ओके। बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो बोल रहा है कि मीटर पर मिनट में क्या होगा, ओके। तो मीटर पर मिनट में क्या होगा यानी मीटर पर मिनट में यानी जो हमको 60 से वहाँ पर डिवाइड किए हुए तो हमको डिवाइड करना नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए डायमीटर आपको दिया हुआ है, इसको क्योंकि मीटर में है तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। RPM 5 RPM दिया हुआ है तो कटिंग स्पीड भी, तो हमको निकालना क्या है, कटिंग स्पीड निकालना है। तो कटिंग स्पीड VC इक्वल टू पाई डी एन, तो पाई डी एन देखिए जो आफ्टर सॉल्यूशन या आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव गॉट 0.0157 मीटर पर मिनट, ओके। तो दिस इज द आंसर ऑफ कटिंग स्पीड, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल टोटल फीड पर मिनट इज 20 एंड RPM इज 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फीड पर रिवोल्यूशन। बोल रहा है कि जो टोटल फीड दिया हुआ है यानी फीड इन NRPM, ओके, यानी टोटल फीड दिया हुआ है कितना 20, RPM 5 दिया हुआ है, तो निकालना क्या है आपको, फीड पर रिवोल्यूशन, ओके, यानी स्मॉल एफ, कैपिटल एफ दिया हुआ है तो स्मॉल एफ निकालना है। तो गिवन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है एफ, कैपिटल एफ इक्वल टू 20 और RPM दिया हुआ है 5, ओके, तो हमको स्मॉल एफ का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हम जानते हैं क्या, टोटल फीड इक्वल टू होता है फीड पर रिवोल्यूशन इनटू RPM, तो एफ क्रॉस एन, एफ़ का हमने रखा है यहाँ पर 20 वैल्यू, क्योंकि यही गिवन है 20 इक्वल टू एफ क्रॉस 5, तो 5, तो यहाँ से एफ अगर सॉल्व करेंगे तो 20 बाई में 5 यानी 4 mm पर रिवोल्यूशन आया आपका आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू ड्रिल अ 25 mm डायमीटर होल इन अ वर्क पीस हैविंग थिकनेस ऑफ 60 mm टू द कंप्लीट डेप्थ, कटिंग स्पीड इज 14 meter पर मिनट एंड फीड इज 0.3 mm पर रिवोल्यूशन, एज्यूम लेंथ ऑफ अप्रोच एंड ओवर ट्रेवल एज 5 mm। देखें इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट अपॉन ड्रिल बिट डायमीटर दिया हुआ है कितना 25 mm होल, यानी जो ड्रिल बिट का वही डायमीटर होगा जो होल का होगा, तो 25 mm दिया हुआ है। वर्क पीस थिकनेस 60 mm, यानी उसका थिकनेस ही जो वर्क पीस का थिकनेस होगा वहीं उसका क्या होगा, लेंथ होगा वर्क पीस का, ओके। तो इसलिए हम यहाँ पर लेंथ ऑफ वर्क पीस 60 mm दिया हुआ है। कटिंग स्पीड इज 40 mm पर मिनट, यानी VC क्या है, या जिसको VS से डिनोट करते हैं या जिसको VC से डिनोट करते हैं, यानी कटिंग स्पीड दिया हुआ है 14 meter पर मिनट एंड फीड इज 0.3 mm पर रिवोल्यूशन, यानी स्मॉल f का वैल्यू दिया हुआ है। एज्यूम लेंथ ऑफ अप्रोच एंड ओवर ट्रेवल 5 mm, यानी यहाँ पर देखें तो हमको निकालना है क्या, मशीनिंग टाइम निकालना है कि कितना मशीनिंग टाइम हुआ, ये सब हमको दिया हुआ है।
तो फाइंड टीएम, तो यहाँ पर देख सकते हैं तो हम फॉर्मूला होता है जो मशीनिंग टाइम का, वो होता है आपका एल अपॉन एफ क्रॉस एन, इन मिनट में एल क्रॉस 60 बाय एफ क्रॉस एन इक्वल ये होता है इन सेकेंड में। तो यहाँ पर एफ क्रॉस एल बाय में एफ क्रॉस एन दिया हुआ था एन, लेकिन क्वेश्चन में एन कहीं दिया नहीं है, सिर्फ दिया है कटिंग स्पीड। तो फर्स्ट अपॉन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे एन का वैल्यू। तो उसके लिए कटिंग स्पीड दिया हुआ है, तो हम जानते हैं वी सी इक्वल टू पाई डी एन, ओके, इन मीटर में, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन जो कटिंग स्पीड दिया है मीटर पर मिनट में दिया है, इसलिए हमको 60 का मल्टीप्लाई नहीं किया। तो 14 इंटू पाई इंटू 25 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू एन, तो यहाँ से एन का वैल्यू हमने निकाला और वी हैव गॉट 175.25 आरपीएम। ओके, अब तो यहाँ पर टोटल लेंथ हमने आप लोग हम बताया कि जो टोटल लेंथ होगा, लेंथ ऑफ अप्रोच प्लस लेंथ ऑफ वर्क पीस प्लस लेंथ ऑफ ओवर ट्रेवल होगा। अगर दिया रहेगा लेंथ ऑफ अप्रोच और लेंथ ऑफ ओवर ट्रेवल, तो हम इसको टोटल लेंथ में ऐड करेंगे। अगर नहीं दिया रहेगा तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वर्क पीस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बस इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ अप्रोच और लेंथ ऑफ ओवर ट्रेवल दिया हुआ है, इसलिए हम ईच दिया हुआ कितना 5 mm, दोनों 5-5 mm दिया हुआ है। ओके, दोनों लिया है कितना 5-5 mm। तो देखिए टोटल लेंथ पे हम क्या करेंगे, 5 + 60 + 5, तो टोटल 70 हो गया। अगर मीटर में कन्वर्ट करें 20 × 10⁻³। ओके, तो अब मशीनिंग टाइम निकाल लेंगे, तो एल हो जाएगा टोटल लेंथ बाय में एफ क्रॉस एन, टोटल लेंथ 20 × 10⁻³ बाय में 0.3 × 10⁻³, क्योंकि हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं फीट को। ओके, और इंटू 175.25, तो आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव गॉट मशीनिंग टाइम इज इक्वल टू 1.31 मिनट। ओके, तो ये था टोटल लेक्चर। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज यू हैव सॉल्व सम क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, एंड आप लोग आप वी हैव बुक्स, वी हैव बुक्स फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, देन वी है देन सॉल्व द मेनी टाइप्स ऑफ द न्यूमेरिकल। ओके, मेनी टाइप्स ऑफ दिस, फर्स्ट अपन तो try to this solve the numerical, okay, then we have taken lot of question from your books and solve. तो आज जो कटिंग पैरामीटर जो है हमारा, कटिंग पैरामीटर और ड्रिलिंग मशीन, वो आज कंप्लीट हुआ। ओके, तो दिस यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। सो अब हम यहीं पर लेक्चर को एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट होगा। ओके, थैंक यू।